नमस्कार दोस्तों, एकता समाचार में आप सभी का स्वागत है। उदयपुर संभाग की खबरें देखने के लिए हमारे YouTube चैनल एकता समाचार को सब्सक्राइब कीजिए, घंटे के बटन को दबाना ना भूले और देखते रहे एकता समाचार। धन्यवाद। पंडित दीनदयाल राजकीय चिकित्सालय सागवाड़ा में बुधवार 8 जनवरी को हुआ रक्तदान शिविर का आयोजन। राजस्थान शिक्षक संघ सियाराम जिला डूंगरपुर द्वारा हुआ विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन। संघ के संस्थापक मुख्य संरक्षक एवं प्रशासनिक प्रदेशाध्यक्ष श्री सियाराम शर्मा के 70वें अवतरण दिवस पर हुआ रक्तदान शिविर का आयोजन। इस अवसर पर सियाराम संगठन से जुड़े जिले भर के सैकड़ों शिक्षकों, कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों ने स्वेच्छा से रक्तदान किया। ब्लड बैंक सागवाड़ा की टीम से शिम्बू कच्छावा, महिपाल सिंह राव, भंवर सिंह शक्तावत, नरेश पंड्या एवं राजेश चंदानी ने अपनी सेवाएं प्रदान की। रक्तदाताओं में दो महिलाओं श्रीमती भारती पंड्या एवं श्रीमती दया भट्ट ने भी भाग लिया। इस रक्तदान शिविर में ब्लड बैंक सागवाड़ा की ओर से 31 यूनिट रक्त एकत्रित किया गया। कुल 58 रक्तदाताओं में से 42 रक्तदाताओं ने पहली बार रक्तदान किया। रक्तदाताओं को सम्मान पत्र एवं प्रमाण पत्र दिए गए। इस दौरान ब्लॉक अध्यक्ष तोलाचंद यादव ने अपनी महत्वपूर्ण सेवाएं प्रदान की। श्री सियाराम शर्मा ने सभी रक्तदाताओं को आभार ज्ञापित किया। संगठन की ओर से सुभाष चंद्र भट्ट, मोहित त्रिवेदी, विष्णु कटारा, हिमांशु उपाध्याय, हरिओम पंचाल, उपेंद्र रावल, प्रवीण रावल एवं पंकज भट्ट आदि कई पदाधिकारियों ने रक्तदान किया। पहले तो आपका एकता समाचार की तरफ से सागवाड़ा में आपका स्वागत करते हैं। स्वागत के तहत गांधी जी, बताइए आपके यहाँ पे क्या कार्यक्रम का आयोजन हुआ और उसके बारे में थोड़ी एक विस्तृत जानकारी बताइए। आज बहुत ही अच्छा विषय है कि शिक्षक संघ सियाराम की ओर से आज उनके जन्मदिन के ऊपर आज विशेष रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। 40 से 50 यूनिट तक रक्त एकत्रित किया जा चुका है। आज इस रक्तदान शिविर में प्रत्येक रक्तदाता का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। साथ ही आज इस मौके पर हम सभी का एक बार पुनः सभी रक्तदाताओं का और सभी आयोजकों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन के साथ साथ आभार प्रकट करते हैं। इस रक्तदान शिविर में ब्लड बैंक मेडिकल कॉलेज डूंगरपुर एवं ब्लड बैंक सामान्य चिकित्सालय सागवाड़ा द्वारा सहयोग प्रदान किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार पुनः सभी रक्तदाताओं का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। बहुत बहुत रक्तदाताओं की जय। राजस्थान शिक्षक संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। राजस्थान शिक्षक संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद। राजस्थान शिक्षक संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आज सबसे बड़ा दान रक्तदान महादान, सबसे बड़ा दान रक्तदान महादान। राष्ट्रीय एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। रक्तदाताओं की जय हो, रक्तदाताओं की जय हो, जय हो। एक बार फिर एकता समाचार में सभी दोस्तों का स्वागत है। स्वागत के तहत आज राजस्थान शिक्षक संघ सियाराम की तरफ से ब्लड बैंक का आयोजन जो किया गया, उसके लिए हमारे अध्यक्ष महोदय है सुभाष जी। सुभाष जी, बताइए आज का क्या क्या कार्यक्रम आयोजन है आपका? आज हमारे इस संगठन के संस्थापक और मुख्य संरक्षक और राजस्थान शिक्षक संघ सियाराम के वर्तमान प्रशासनिक प्रदेशाध्यक्ष माननीय सियाराम जी शर्मा का 70वां जन्मदिन है जी जी। और इस आज के दिन पूरे प्रदेश में हर जिले में कुछ न कुछ छोटी मोटी गतिविधि होती है उनके जन्मदिन के सम्मान में। तो डूंगरपुर जिला शाखा ने इससे पहले वृक्षारोपण का काम किया था, उससे भी पहले डूंगरपुर नगर परिषद के सफाई कर्मियों का अभिनंदन किया था और इस बार यह विशाल रक्तदान शिविर सागवाड़ा चिकित्सालय में आयोजित किया जा रहा है। 60 से ऊपर रक्तदाताओं ने अब तक रक्तदान कर चुके हैं और लगभग 150 से 200 यूनिट रक्त इकट्ठा करने का लक्ष्य है। तो इसको मेरे को लगता है 2 बजे तक हम उसको पूरा कर लेंगे। धन्यवाद। सभी रक्तदाताओं की जय और संगठन के आह्वान पे जिन जिन ने भी रक्तदान किया है उन सबको हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं और संगठन के आह्वान पर आगे भी वो सहयोग करते रहेंगे, इस कामना के साथ धन्यवाद। हमारा सहयोगकर्ता हमारे राजेश जी चंदानी। चंदानी जी आइए, आपका स्वागत है एकता समाचार में। धन्यवाद। हाँ सर, बताइए आज कितना यूनिट अभी तक हुआ? अभी तक 30 यूनिट हुआ है और अभी चल रहा है। अच्छा, आज कितने यूनिट का लक्ष्य बना रखा आपने? 250 का था। 250 का। ये हमारे गुरुजी है। गुरुजी, पूर्व अध्यक्ष आप पहले रह चुके हैं,
उसके लिए आप बताइए कि आपके कार्यकाल के अंदर भी ऐसा कोई कार्यक्रम का आयोजन हुआ था क्या? इससे पहले हमने बालिकाओं को गोद लेके उनको शिक्षण सामग्री उपलब्ध करवाई है। इसके अलावा भी ये जो राष्ट्रीय घटनाक्रम होते हैं उसमें हम बराबर जो भी संगठन की तरफ से बनता है सहयोग करते हैं, और अभी हमारा ये कार्यक्रम जो रक्तदान महादान का चल रहा है, इसके बाद भी बड़गी में 12 जुलाई को एक बड़ा कैंप आयोजित किया जा रहा है जिसमें 200 रक्तदाताओं की सहमति अब तक मिल चुकी है, और आगे भी हम इसी तरह के अच्छे लोगों के हित के कार्यक्रम आयोजित करते रहेंगे। शिक्षक लोगों का हित तो हमारा परम लक्ष्य है ही है, लेकिन साथ ही समाज और राष्ट्र भी हमारे इस संगठन के बैनर तले बाकायदा इन बिंदुओं पर भी हम विचार करते हैं, और जो भी हमसे बन सकता है हम सहयोग करते हैं। हमारे ये जिला मंत्री हैं, आप जिला मंत्री जी से भी बात कर सकते हैं इस बारे में विस्तृत, हिमांशु उपाध्याय। हिमांशु जी, अधिकारियों ने ब्लड डोनेट कर हमारे संगठन को एकता बताई है, और हमारे जो प्रदेशाध्यक्ष है परम सम्मानित श्यामजी भाई साहब, उनके 70वां जन्म दिवस बहुत बढ़िया आलिशान से सभी संगठन के पदाधिकारी यहाँ पर दीनदयाल हॉस्पिटल में मना रहे हैं। ब्लॉक अध्यक्ष, ये हमारे ब्लॉक अध्यक्ष साहब, पहले तो आपका नाम बताइए। मेरा नाम तोलाचंद यादव है जी, जी। मैं राजस्थान शिक्षा संघ सियाराम का ब्लॉक अध्यक्ष सागवाड़ा, और मैं हम सियाराम जी के 70वें जन्म दिवस के उपलक्ष्य में हमने ये रक्तदान महादान का आयोजन पंडित दीनदयाल चिकित्सालय सागवाड़ा में रखा गया है, जिसमें अभी 30 से 35 यूनिट रक्तदान हो चुका है, और ये 2 बजे तक कार्यक्रम होगा, और शिक्षक संघ सियाराम के द्वारा बहुत सारे कार्यक्रम किए जा रहे हैं, और ये समाज के हित में कार्य किए जा रहे हैं। और राजस्थान शिक्षक संघ सियाराम जिंदाबाद जिंदाबाद। जिलाध्यक्ष महोदय, जिलाध्यक्ष जी बताइए, आज का आपके यहाँ पे क्या क्या कार्यक्रम का आयोजन हुआ है और आगे क्या होगा? मैं जिलाध्यक्ष डूंगरपुर विश्राम कटारा राजस्थान शिक्षक संघ सियाराम की तरफ से आज हमारे प्रदेश के अध्यक्ष सियाराम जी शर्मा, उनका 70वां जन्मदिन मनाने के उपलक्ष्य में हम डूंगरपुर जिले में उनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में भिन्न भिन्न कार्यक्रम करते हुए आ रहे हैं। आज हमने डूंगरपुर जिले के अंदर हमने ब्लड बैंक का रक्तदान देने का आज कार्यक्रम आयोजित किया है। इसमें सागवाड़ा हॉस्पिटल के अंदर रक्तदान का कार्यक्रम चल रहा है। अभी आज हमारा मुख्य लक्ष्य है 200 से 250 यूनिट रक्तदान करने का लक्ष्य है, और कार्यक्रम चल रहा है, विभिन्न प्रकार के सामाजिक सरोकार शिक्षक संघ सियाराम कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद जिलाध्यक्ष जी। ब्लड बैंक मेडिकल कॉलेज की ओर से सभी रक्तदाताओं को सम्मान पत्र भेंट किए जा रहे हैं। ये सम्मान पत्र के साथ साथ उन्हें एक स्पेशल अवकाश का भी इन्हें एक सर्टिफिकेट दिया जा रहा है, ताकि वो विशेष अवकाश प्राप्त कर सके। ये पूरे जो व्यवस्था सम्मान की और एक स्पेशल पूरे राजस्थान में लागू है। बरसा बताइए, आपने कितनी बार रक्तदान किया? ये मेरा 4थी बार रक्तदान है। अच्छा अच्छा, रक्तदान करते समय आपको कैसा महसूस होता है? बस नॉर्मली आनंद आ रहा है। ये आपका सियाराम आपका खुद का संगठन है, और ये आप ये जो कार्य करने की आपको पहल के लिए पहले हम धन्यवाद देते हैं, और दूसरा ये आपके दिमाग में कैसे आया कि रक्तदान ही करना चाहिए जन्मदिन पर सियाराम जी के? ये एक अलग तरह की मतलब योजना बनी थी, और हर साल कोई कोई गतिविधि करते हैं, तो इस बार हमने रक्तदान शिविर आयोजन का ये जयपुर से प्रेरणा मिली कि जयपुर के लोग हर साल रक्तदान शिविर आयोजित करते हैं 8 जनवरी को। जी जी जी। तो इस बार हमने भी सोचा कि सियाराम जी के जन्मदिन पर रक्तदान का आयोजन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस रक्तदान शिविर में प्रथम महिला है जो आज रक्तदान कर रही है। आपका पहले रक्तदान हुआ कभी? नहीं, बहुत बहुत बधाई आपको। मैडम बताइए, ये यहाँ पे सियाराम रक्तदान के कार्यक्रम के अंदर पहली बार कर रहे हो आप? जी जी। कैसा महसूस हो रहा है? गांधी जी, इसके बारे में बताइए थोड़ा, कि एक तरफ तो हस्बैंड एक तरफ वाइफ, इसके बारे में थोड़ी एक बहुत बड़ा एक उदाहरण है यहाँ आज इस रक्तदान शिविर के लिए, कि दोनों पति पत्नी एक साथ रक्तदान कर रहे हैं, और जो सियाराम जी जो इस शिक्षा संघ के जो संस्थापक हैं, जो संरक्षक हैं, और उनके आज जन्मदिन है, और एक बहुत बड़ा जन्मदिन का एक उपहार भेंट कर रहे हैं। बहुत ही इनको हार्दिक बधाई दोनों पति पत्नियों को, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत इनका बहुत बहुत आभार। सर बताइए, आप
कितनी बार रक्तदान कर रहे हैं? मेरा ये तीसरी बार है। तीसरी बार है, कैसा लगता है आपको ये रक्तदान करते हुए? रक्तदान महादान है सब। बहुत बहुत धन्यवाद तवज जी, आपकी सेवा सराहनीय है। हम जब भी आते हैं, जब आपको हम देखते, बताइए आपने आपके कार्यकाल के अंदर ऐसा कार्य कब से शुरू किया? ब्लड बैंक में ये सबसे पहले अच्छा कार्यक्रम हो रहा है ब्लड डोनेशन का। हम चाहते हैं कि ये कार्यक्रम रेगुलर चलते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। पहले तो आपका नाम बताइए और आप कितनी बार ये रक्तदान कर रहे हो? मेरा नाम भारती पांड्या है, पहली बार ही रक्तदान कर रही हूं। बहुत जोरदार ताली बजाएं स्वयं। मैडम आपको कैसा महसूस हो रहा है कि आप रक्तदान कर रही हो? तो बहुत अच्छा लग रहा है, पहली बार एक अच्छा काम करने की अपने घर से बहुत खुशी हो रही है। ऐसा सियाराम संगठन ने जो आयोजन किया, इसके लिए आप महिला मंत्री के हिसाब से क्या कहते हो? सियाराम संगठन ने हमको बहुत अच्छा मौका दिया है और आज बहुत अच्छा पावन दिन है। हमारे जो संरक्षक है उनका जन्मदिन भी है, तो हमारी तरफ से छोटा सा उनको गिफ्ट है और बहुत खुशी हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, एकता समाचार की तरफ से आपको बहुत बहुत सभी को धन्यवाद, सियाराम संगठन को जी। और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल डूंगरपुर में ब्लड बैंक में कार्य करते हैं। डॉक्टर आप, डॉक्टर साहब आपके कार्यकाल के अंदर रक्तदान शिविर का कितने बार आयोजन हुआ उसके बारे में थोड़ा बताइए। मेरी लास्ट दिसंबर के अंदर, लास्ट वीक के अंदर पोस्टिंग हुई है, उसके बाद में तो ये मेरा पहला ब्लड डोनेशन कैंप है और यहाँ पर बहुत ही अच्छे से ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया है। राजस्थान शिक्षक संघ जो सियाराम ग्रुप है उन्होंने और सभी एकदम पूरे जोश क्रॉस के साथ में रक्तदान कर। सर अभी तक कितना हुआ कोई जानकारी? अभी तक 35 के आसपास नंबर अभी। थैंक यू सर। शिकला जी बताइए अभी तक कितना यहाँ पे डोनेशन हुआ? सर अभी तक 42 डोनेशन हो चुकी है सर। जी 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 42 यूनिट। कितना लक्ष्य आपको कुछ याद है सियाराम का? अप्रोक्सीमेटली 150 से 200। ओके। सर आप कितने टाइम से ये ब्लड बैंक का कार्य कर रहे हो? सर मेरे को 5 साल हो गए सर। 5 साल हो गए सर। अभी तक कितना यूनिट हुआ होगा आपके अंदाज? सर अभी तक लगभग 1000। आपने भी दिया? बिल्कुल सर। जी 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 जी। सर आपका नाम बताइए। हार्दिक दीक्षित। कहाँ से हो सर? खड़कदास। खड़कदास है। भवन जी आप कहाँ से हो? सर आपका नाम बताइए। मेरा नाम सर बाविन सुथार है। हाँ। और मैं जेठाड़ा से। सर अभी तक आपने आपके कार्यकाल के अंदर कितना यूनिट शामिल किया होगा? लगभग 3500 यूनिट हमने ब्लड बैंक डोनेशन शिविर में काम किए हुए हैं। अप्रोक्सीमेटली 1000 यूनिट हमने कलेक्ट किया है। धन्यवाद भाई साहब। बताइए आज रक्तदान का कार्यक्रम था, उस रक्तदान में आपने क्या यहाँ पे रक्तदान किया है? किया है। क्या नाम है आपका? पंकज कुमार खराड़ी। अच्छा कितनी बार आपने रक्तदान किया? दो बार। कैसा लगा आपको रक्तदान करते हुए? अच्छा।